मतलब यू एक्चुअली मेड आर डे कि हमारी वजह से आपको तो स्ट्रेंथ मिली, वरना तो आपने हमें सारी जिंदगी स्ट्रेंथ दी है किसी भी फील्ड में हो। अच्छा, ये एक CTO है, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर IBM के NASA में, नईम अल्ताफ इनका नाम है। ये कह रहे हैं पैसे देने के अलावा ओवरसीज से हम क्या कर सकते हैं, और प्लीज इसका जवाब दीजिए। देखिए, जो ओवरसीज ने जो प्रोटेस्ट किए हैं, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख में। हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज ने हर कैपिटल में जिस तरह निकले हैं, तो ये भी इसने क्या साबित किया है? इसने पहली दफा बताया है कि हम ये नाइंसाफी एक्सेप्ट नहीं करते। हम ये जो हुआ है, ये जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई है और चोरों को हमारे ऊपर मसलत कर दिया बैरूनी साजिश के तहत, ये एक्सेप्ट नहीं हम करते। ये बहुत बड़ी इसका, ये देखें, जब कौम जिंदा हो जाती है ना, मैं आपको फिर से बताऊं, कौम ही अपनी आजादी को प्रोटेक्ट करती है, कौम अपनी जमहूरियत को प्रोटेक्ट करती है, कौम जो है वो अपनी अपने इंसाफ के निजाम के साथ खड़ी होती है, प्रेशर करती है कि वो डिमांड करती है इंसाफ। कौम है जो कि अच्छाई के साथ खड़ी होती है और बुराई के खिलाफ खड़ी होती है। तो जब कौम इस तरह जिंदा हो जाए, मेरे ख्याल में ये, अगर मैं आपको मैं कहूँ कि 26 साल की मेरी पॉलिटिक्स में जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई है, वो अपनी कौम को इस तरह निकलते देखें। तौफिक साहब इमरान जी, ठीक है तौफिक से साहब और फिर यासिफ और फिर डन। तौफिक साहब थैंक यू जिब्रान, अस्सलाम वालेकुम स्किपर। मेरा दो तीन बुलेट पॉइंट क्वेश्चंस है और एक सजेशन है। द क्वेश्चन इज के आप बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस कि आप इस दफ़ा फिर इलेक्टेबल्स के साथ जाएंगे या PTI के कोर वर्कर्स को मौका देंगे? एंड सेकंड इज़ गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता, अगर इलेक्शन कमीशन ने आपको नाइल कर दिया, तो व्हाट इज़ योर प्लान बी, नॉट जस्ट फॉर यू, फॉर अस आल्सो? और तीसरा ये कि आप सिक्योरिटी प्रिकॉशंस क्या ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग सारे बहुत कंसर्न हैं, ना कि सिर्फ लोग पाकिस्तान में बट हम लोग यहाँ ओवरसीज में भी, कि आप सिक्योरिटी के लिए क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं? एंड माय सजेशन इज के जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि आर्मी हमारा एक इंस्टीट्यूशन है और इसके खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप छोटे छोटे क्लिप्स कभी कभी लगा दिया करें जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो हार्ड कोर फॉलोअर्स हैं, यहाँ पे स्पेसेस होती हैं सोशल मीडिया पे, कमेंट्स होते हैं, कोई अदलिया को गालियाँ दे रहा होता है, कोई फौज को गालियाँ दे रहा होता है, कोई ISI को गालियाँ दे रहा होता है, आई मीन यू नेम इट। तो अगर आपकी तरफ से मैसेज जाएगा, बिकॉज वी फॉलो यू एज अ लीडर, यू आर आर लीडर, इफ़ यू गोना से कि ऑल द पीपल हु फॉलो मी डू नॉट टॉक अबाउट दिस, तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ी हेल्प होगी। तो और आई थिंक हमें इदारों की जी। इज्जत भी करनी चाहिए और एहतराम भी। थैंक यू। सॉरी, पहला पहला क्वेश्चन क्या था? मुझे बाकी दो थी, क्या था पहला क्वेश्चन? क्या ये इलेक्शन कमीशन, याद अगर से? इलेक्शन, देखिए, सबसे पहले तो कोई भी चीज उस केस के अंदर नहीं है फॉरेन फंडिंग, वो फॉरेन फंडिंग है ही नहीं उसके अंदर, बिल्कुल पार्टी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। हालांकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमारी PTI को किसी को कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने फैसले अभी तक किए हैं, सिंपल चीज ये है कि आप फंडिंग, ये सारी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि सारी पार्टीज की फंडिंग इकट्ठी देखी जाए, तो उनकी फंडिंग देख नहीं रहे और हमारे ऊपर चढ़े हुए, और हम बार बार कहते हैं कि हम पीछे नहीं हट रहे, हम चाहते हैं, और मैं इंशाल्लाह ये साबित होगा कि हमारी कोई कोई भी हमारा गलत काम नहीं है, क्योंकि हमारी तो प्रॉपर पॉलिटिकल फंड रेजिंग है, बाकी कोई तो है ही नहीं। तो अगर वो साथ करें तो दुनिया को तो पता चले कि एक्चुअली कौन सी पार्टी, एक जिस तरह दुनिया के अंदर जो एस्टेब्लिश पार्टीज है, कंजर्वेटिव, लेबर है इंग्लैंड में या रिपब्लिक, ये कैसे फंड रेजिंग करती है, तो वो सबके सामने आ जाएगा। दूसरा आपका क्वेश्चन था फौज का, जी, और इलेक्टेबल्स का, आर यू गोना सॉरी, इलेक्टेबल्स, पिक? इलेक्टेबल्स, देखिए, इलेक्टेबल्स जो हैं, इनमें से कई बड़े हमारे साथ खड़े रहे और अनफॉर्चुनेटली कई सिर्फ और सिर्फ अपने जाती मफादात के लिए उन्होंने हमारे से बड़ी गद्दारी की। तो इसमें कोई शक नहीं कि इस बारी जो मैंने सबसे बड़ा फैसला किया कि टिकट्स, अब क्योंकि मैंने ये टिकट्स नहीं दी थे, ज्यादातर टिकट्स मैंने नहीं दिए थे, इस बारी टिकट्स, एक टिकट मैंने जाने नहीं देना जब तक मैं खुद उसको स्क्रूटनाइज ना करूं। और बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, हमने प्रेफरेंस देनी है नजरिए पे, क्या उनका कोई बिलीफ सिस्टम है, कोई नजरिया है, या वो सिर्फ अपना देखते हैं कि किस तरह किस पार्टी के साथ जा सकते हैं
اور ذاتی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس بار یہ غلطی نہیں ہوگی. سر ایک آکوپائی کشمیر سے ایک کوشچن ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے دور میں مقبوضہ کشمیر کے بارے میں بہت ایک ایسا موقف اٹھایا گیا تھا جس طرح پاکستان نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا, لیکن گوئنگ فارورڈ ان کا سوال یہ ہے کہ پریکٹیکل اسٹیپس جو ہیں اس میں آپ کو کون سی ہنڈرنس آئی تھی ڈیورنگ یور گورنمنٹ اسٹنٹ, اور آپ کس طرح سے پلان کر رہے ہیں کہ آگے اگلی ٹینیور میں وہ نہ آئے. کشمیر کی بات جی, کشمیر کے بارے میں دیکھیے, پہلے تو حکومتیں پچھلی بات ہی نہیں کرتی تھی کشمیر کی. نواز شریف کی تو ایک ان کی فورن آفس کی اسپوکس پرسن تھی, انہوں نے تو انٹرویو دیا ہوا ہے کہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ کوئی ہندوستان کی تنقید ہی نہ ہو. تو ان کے بڑا اوور آل تھے, گھبراتے تھے ہندوستان کے کی کوئی بھی تنقید کرتے ہوئے, دونوں زرداری اور نواز شریف. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں ویسٹرن بینکس میں, آف شور اکاؤنٹس میں, ان کی پراپرٹیز باہر ہیں, اور ان کو سارا وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ جس طرح رشین اولیگارکس کی پراپرٹیز ضبط کی جا رہی ہیں اس وقت, تو ان کی بھی پراپرٹیز کسی وقت ضبط کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے ان کے پاس پیسہ کدھر سے آیا, کیونکہ چوری کا پیسہ ہے. اس لیے انہوں نے کبھی بھی وہ, کیونکہ انڈین لابی بڑی طاقتور ہے اور وہ امریکہ میں بہت طاقتور ہے انڈین لابی, تو یہ سارا وقت ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جو جدھر ان کے پیسے پڑے ہوئے باہر کے ملکوں میں وہ سیف رہیں. اور اس لیے انہوں نے کوئی کشمیر کے لیے کبھی کسی قسم کی سٹینڈ یا سٹیٹمنٹ نہیں دی. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمیں ہر فورم کے اوپر کشمیر کی بات کی جائے, لوگوں کو بتایا جائے کہ کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے وہاں, اور اس میں ہماری گورنمنٹ بڑی کامیاب ہوئی. ہم نے ہر فورم کے اوپر اس کو اٹھایا اور لوگوں میں اویئرنیس ریز کی, اور یہ پھر یہ ایک سٹرگل کا حصہ ہے. آپ جنگ تو لڑ نہیں سکتے, جنگ لڑنے کا تو سوچے بھی کوئی نہ, کیونکہ جنگ لڑنے کا مطلب ایک دو طاقتوں کے اندر جدھر نیوکلیئر آرمز ہیں, آپ سوچے بھی نہ جنگ کا. اس کے علاوہ ہر فورم کے اوپر, میڈیا پہ, انٹرنیشنل فورمز, یو این پہ, ہم اس کیس کو اٹھائے رکھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کشمیر کی آج کل اویئرنیس ہے, جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے, یہ جو ہندوستان کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ کبھی پہلے نہیں تھی انٹرنیشنل اویئرنیس. جی جبران.